हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोबारा आ चुके हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ, नाचने वाली राजकुमारी के साथ, जो कि हमने पहले पार्ट बनाया। तो गाइस, जैसे कि दीदी का डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, जे तुमने मन ने धोखा दे दिया। हमारी ऐसी काफ़ी बातें थी जो मतलब बहुत सारे लोगों ने पसंद की उस है ना ब्लॉग में। जैसे दीदी ने हकीम को डॉक्टर बोला और मैंने क्या बोला था, है हाँ कमरे को रूम बोला है ना, थोड़ी इंग्लिश वर्ड्स डाल दिए थे क्योंकि राजा के टाइम के हम बात कर रहे थे। लेकिन आज हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जैसे दीदी ने मुझे पापा बोला था, अब पिता श्री नाचने वाली राजकुमारी, और आपने बहुत पसंद किया और आपने बोला कि सर दोबारा बनाओ उसको, है ना, सेकेंड पार्ट चाहिए हमें। तो हम आज सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं और आगे की कहानी आपको बताएंगे हम। चलो करते हैं स्टार्ट। ओके राजकुमारी। ओके तो बेटी राजकुमारी, यस, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आज हम पंडित के पास तुम्हारी पत्री खुलाने जा रहे हैं। वाह, अब मेरी शादी होगी। हाँ, अब ये खिलौने छोड़ दो, तुम सियानी हो चुकी हो। ये मेरी बकरी है। बकरी है, बकरी जहाँ साथ में नहीं जाएगी ना तुम्हारे बेटा। मैं ले जाऊंगी। तो आज मैं पंडित के पास जाऊंगा और तुम्हारी पत्री खुला कर आऊंगा। और ओके। मैं दिन ले आऊंगा, किस दिन करने, किस राजकुमार के साथ करने। हमें राजकुमार की काफी तस्वीरें आ चुकी है, मुंशी से पूछा आपने? तो गाइस, तो आज मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। इस एप्लीकेशन का बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप भी इस गेम का जरूर इस्तेमाल करें। तो गाइस, आज मैं आपको एक मजेदार ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गेमजी। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है, इसमें आप फैंटसी क्रिकेट, फुटबॉल, रमी और भी कैजुअल गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कैरम, पूल, फ्रूट स्लाइस एंड एटसेट्रा, और ये खेल के आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो मैं आज आपको रमी के बारे में बताता हूँ, जिसे खेल के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे आप रियल मनी विन कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है रमी खेलना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ग्राफिक्स बहुत ही सही हैं और जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सिक्योर हैं। और जीतने के बाद 5 मिनट में आप अपना विनिंग अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। रोज यहाँ टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, आप हर दिन ज्वाइन कर सकते हो। चाहे यहाँ पे टेबल छोटा हो या बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर समय यहाँ पर लोग खेलने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ वेट करने का कोई झंझट ही नहीं है। एंट्री फीस यहाँ पर बहुत कम है, और क्या कमाल की ऑफर्स हैं। यहाँ पे आपको साइन अप करते ही 50 रुपीस मिल जाएंगे और 100 रुपए 50k डिपॉजिट पे। कोड है YT50, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाके आप डाउनलोड करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम ऑफर्स मिलेंगे। तो बस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। दिस गेम इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। ठीक है, तो मैं पंडित के पास जा रहा हूँ और उतनी देर तुम अंदर जाके नाच लो, ठीक है? ओके, पता है श्री। हाँ, तो बुआ बंद कर लेना, ठीक है? बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा बेटा। पंडित जी ने बोला है तुम मंगलिक हो, और तुम जिससे शादी करोगी वो राजा मर जाएगा, और तुम सदा ऐसे ही रहोगी कुंवारी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अब तुम एक राजे की जिंदगी नहीं खराब कर सकती राजू रानी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा इस महल में हमेशा के लिए। तुम शादी नहीं कर सकती, मैंने बोला ना। नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगी अब नहीं करनी। मैं अपने विश्वास रखे, मैं नचना छोड़ती है, तो मैं ऐसा के शादी नहीं करेगी। मैं कुछ नहीं मानती पंडित मतन। बेटा वो बात मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हें वादा किया था, लेकिन राजे की जिंदगी खराब हो जाएगी ना जिस घर में तुम शादी करके जाओगी। अगर वही मर गया तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, मैं किसको नहीं मानती। पंडित जी की बातें सच होती है। नहीं होंगी कभी, मैं कराऊंगी शादी। तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कोई होगा।
अपनी जान ले लूंगी। पिता जी मैं माफ कर, मैं शादी बिना नहीं रह सकती, मैं मरने जा रही, मुझे इसका राजकुमार चाहिए चाहिए, मैं जा रही हूँ, अलविदा। मैं जा रही मरना। राजकुमारी ये कर दियो, ये कर दियो, मेरा शरीर नहीं, राजकुमारी नहीं, पागल हो गई, नहीं, चल नीचे आ, नहीं, 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 राजकुमारी, नहीं, आओ, ये क्या कर रही तुम आज? मैं नहीं, मैं आज रह सकती शादी बिना, सड़ो पिताजी, क्यों? शादी के बिना क्यों रह सकती तुम? मैं करानी है, मेरी मर्जी। राजा नहीं रहा? ठीक है, बाद में बात करता हूँ, राजकुमारी कॉल करता हूँ, उसको अपने बस में लाकर उसका राज छीन लूंगा, क्योंकि उस राज में अब कोई नहीं रहा। अरे इसने क्या कहना है, इसने मैंने धोखा दिता। हेलो राजू, राजकुमारी कैसी? कुत्ते राम जा रहे, तुझको मेरा धोखा दिता, मेरा पापा सीना। अरे यार माफ कर दो, मुझे गलती हो गई थी, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? क्या मेरे पास आ रहे? अब मेरे पास में आने की जरूरत नहीं है। तुमसे मिलके कुछ चीजें सही करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरबार में अभी आ रहा हूँ। दहा हो जा मेरी जिंदगी जो। राजू राजकुमारी नहीं लो इसको, मेरा तुम्हारा काम कहाँ आए हो? मेरी बात सुनो। मैं नहीं तेरी मात बात सुनी, गो हो जो, मेरे पापा सीन ले, मेरे राजकुमार सीन ले, गो हो जो, मेरी जिंदगी गो हो जो। हम सब कुछ सही करेंगे राजकुमारी, हम दोनों मिलके इस राज को संभालेंगे। नहीं नहीं चलो चलो, अदो मेरे पापा संग से उठो, सॉरी पिताश्री, उठो पिताश्री के संग से उठो। राजकुमारी बात तो सुनो मेरी,
हम सब कुछ कभी नहीं बात सुने छोड़ो। हम सही करेंगे ना सारा कुछ, हम ये राज्य संभालेंगे। और देखो हमारे कितना राजस्व है ना, कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा सर, तुम मेरे से शादी कर लो। तुमने मेरा तोखा दिया मेरे पापा का सेना, मैं कभी नहीं तुम्हारी बात। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पिता श्री के बोला था मैं किसी के साथ शादी करूंगी वो मर जाएगा, क्यों मैं क्लीन हूँ और मैं इसके साथ शादी कर इसका अंत कर दूंगी, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मेरे पापा को आत्मा की शांति मिलूगी। चलती हूँ मैं उसके पास। चलो आज हमने शादी कर ली। हाँ हमारा सिंहासन कैसा लग रहा है राजकुमारी? बहुत अच्छा। राजकुमारी ये क्या है? मुझे ऐसा तो चाहती हूँ, तुम मेरे पापा को सेना ऐसा तो चाहती हो। ये क्या है? हकीम को बुलाओ, हकीम को बुलाओ। क्या मैं मंगलिक थी? और तुम तुम मंगलिक थी? यस। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने धोखा दिया। मैंने कब तो धोखा दिया? मेरे पापा को सेना, मेरे पिता सेने को सेना। तू नहीं बचेगी मेरे अगले जन्म में, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें, तुमसे बदला लेने आऊंगा मैं। दोहा मेरी जिंदगी जो पिताश्री सही कहते हैं, मेरे साथ शादी करोगा और मर जाएगा, मैं बस अपने राज्य को संभालेगी। भगवान मेरे पिता को शांति दे। वो सही सी, मैं गलत सी, मैं को गलती मेरी महसूस होगी। मेरे पिता ऑलवेज सही होते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हमने सेकंड पार्ट आपके कहने पे बनाया। और आपको इसको प्यार देना अब आप पे है, और इसको लाइक कमेंट शेयर कर दो जितना हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया। और हमारे आज ही 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अब हमें जल्दी जल्दी आगे और बढ़ना है, और हमारे सब्सक्राइबर्स आपने और बढ़ाने हैं, क्योंकि ये भी आपका चैनल है, आपके इन्जॉयमेंट के लिए हमें वीडियोस बनाते हैं, और ऐसे में प्यार देते रहो। तो और कुछ कहना चाहती हैं? बस ऐसे प्यार देते रहो। राजकुमार तुम जिंदा हो गए? हाँ मैं जिंदा हो गया। अगर राजकुमार मर जाता तो अगली वीडियोस कैसे आती? तो ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और तुमने मुझे मार डाला, मैं अगले जन्म में आऊंगा तुमसे बदला लेने, समझाई बात? तेरा राज्य अब मशीन के रहूंगा। तो गाइस अगर आप थर्ड पार्ट चाहते हैं तो हम बनाएंगे पक्का, और आगे की स्टोरी फिर कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसको बहुत सारा प्यार देंगे तो हम फिर ही बनाएंगे, क्योंकि वैसे बनाने का कोई फायदा नहीं होगा हमारा भी। तो ठीक है तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। तो कल का व्लॉग हम देखते हैं किस पे बनाएंगे, अगर आपके पास कोई आइडिया तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू। पहन नहीं था आजकल मैंने, छेती मारो डिकन ने, जल्दी मारो। मेरा सब कुछ सीन लिया, मेरे पिता सीने को सीन लिया। ऐसा करती मैं शादी करूंगी, मैं गलीन हूँ तो मैं ऐसा शादी करूँ, ये मर जाऊंगी तो मैं मलिकी हूँ।